नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अनबॉक्सिंग टेक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, हम बताएंगे आपको आज बैकग्राउंड रिमूव करना। आइए चलते हैं क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में जाते हैं दोस्तों, हम टाइप कर लेंगे रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। हमने टाइप कर लिया है, पहली साइड में चले जाएंगे हम रिमूव बीजी की। इसमें हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही दोस्तों ऐसा इंटरफेस आपको सामने में आएगा, देख सकते हैं आप। अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन में जाके हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही फ़ोटो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर दी जिसका हमने फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूव करना है। प्रोसेसिंग चल रही है बैकग्राउंड रिमूव होने की। ये दोस्तों बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, ये हमारी ओरिजिनल फोटो है। ये इसका बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद ऐसी फोटो हमें शो करेगा जिसे हम किसी भी दूसरे बैकग्राउंड में लगा सकते हैं आराम से। तो दोस्तों ऐसे ही इसमें क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर लेंगे गैलरी में। ये हमारे मोबाइल की गैलरी में सेव हो चुका है दोस्तों। अब हम इसे कहीं भी दूसरे बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। दोस्तों एक बार और करके देख लेते हैं। अपलोड इमेज में क्लिक कर लेंगे। अपलोड इमेज में क्लिक करने के बाद उसको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जो फ़ोटो हमने रिमूव करना है। सॉरी, जिसका बैकग्राउंड हमने रिमूव करना है उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने ये फ़ोटो सिलेक्ट कर दिया, देख सकते हैं आप फोटो का बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। इस फोटो में हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ये गैलरी में सेव हो चुका है हमारे फ़ोन की। तो दोस्तों इसका बैकग्राउंड हमने दूसरा अगर चेंज करना है तो हम पिक्स आर्ट की हेल्प से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास पिक्स आर्ट नहीं है तो हमारे इसकी डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चले जाता हूं पिक्स आर्ट में। पिक्स आर्ट में जाते ही दोस्तों प्लस के निशान पर हम क्लिक कर लेंगे। उसमें क्लिक करते दोस्तों बहुत सारे बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएंगे। मैं एक कलर वाला ले लेता हूँ, पिंक कलर में। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। अब ऐड फोटो, जिसका हमने इस फोटो बैकग्राउंड चेंज करना है, ऐड फोटो में जाके वो फ़ोटो हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसका हमने बैकग्राउंड चेंज किया था। तो ऐड फोटो कर लेंगे, फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। इसको छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं दोस्तों आराम से। थोड़ा इसे हम बढ़ा लेते हैं। तो उसके बाद आप इसको क्रॉप कर लेंगे जितना हमें फ़ोटो चाहिए। आइए हम क्रॉप के ऑप्शन में चले जाते हैं। इसको हम क्रॉप कर लेंगे जितने हमें चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।